अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? एक और नए व्लॉग के साथ। अब हम लोग ने क्योंकि एक दिन गुजार दिया है, चीज़ें पता चलना शुरू हो गई हैं, किस तरह से हो रही हैं। मेट्रो में भी सफ़र कर लिया, तो ये एक मेट्रो का डे पास होता है 6 कतरी रियाल का, आपको नज़र आ रहा होगा। 6 कतरी रियाल का या 6 कतारी रियाल का एक स्टैंडर्ड पास होता है, जिसको आप पूरा दिन यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। ये प्लास्टिक का बना हुआ कार्ड है, बट आई गेस इसमें कोई मैग्नेटिक टेप लगी हुई है, जब आप उसकी कंसोल पे इसको रखते हो तो गेट ओपन हो जाता है। अब मैं इसी कार्ड को यूज़ करूँगा, और कैसे यूज़ करूँगा, मैंने मोबाइल के पाउच में इसको रख दिया है, और मैं जैसे मोबाइल रखना पड़ता है और वो गेट ओपन हो जाता है। अब जब यूज़ करूँगा तो आप वीडियो भी देख लेंगे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अपने दिन के सफ़र का आगाज़ करते हैं, चलें साथ। हम लोगों की जो होटल से हम एग्ज़िट कर रहे हैं, और होटल के पीछे ही सिटी सेंटर है। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर आपका दोहा माल है, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर के ऊपर, गूगल मैप दिखा रहा था, वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे 2-3 मिनट का सफ़र या 5 मिनट सफ़र है आपका मेट्रो स्टेशन। तो हमने मैं इस वक्त मेट्रो स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ जाके वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह मेरा कार्ड यूज़ होता है और कैसा यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। ये है DACC मेट्रो स्टेशन, DACC। यहाँ से हम जा रहे हैं ग्रीन लाइन में बैठकर, मेट्रो की एस्केलेटर्स आ गई हैं। देखिए मेरे पास इसमें लगा हुआ है, इसमें मैं प्रेस करूँगा। मैं नाराज़ हो गया कैसे। ओके, बट मेरा मोबाइल में चल रहा नहीं था, आप देखें लगाते हैं, और ये सरप्राइजिंगली चल गया। हम लोग यहाँ DECC पे हैं, यहाँ से अलविदा से ग्रीन लाइन लेंगे और फिर आगे जाएंगे मॉल ऑफ कतर पे। देखें अब ये देखें हम लोग यहाँ पर हैं, ये ट्रेन जाएगी कॉर्निश अल मुशारिफ से, हम ग्रीन लाइन लेंगे और फिर आगे जाएंगे, अलविदा से ले लेंगे या अल मुशारिफ से ले लें, ठीक है जी। और जो ट्रेन जा रही है, जैसे इंडिकेशन आपको दिखा रही है, बहुत फास्ट चल रही है ट्रेन, तो सब लोग बैठे हैं इसके अंदर, बाकी ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा मैं, तो माइंड ना कर जाए। हम लोग अलविदा पहुंच गए हैं, अलविदा से हम ग्रीन लाइन हमें बता रहा है, ये देखें ग्रीन लाइन बता रहे हैं, ग्रीन लाइन से हम आगे जाएंगे। ये बता रहे हैं कि आप विद्या से ग्रीन लाइन को चेंज कर सकते हैं, और वट एवर द केस आप अलविदा हैं तो यहाँ से आप मशीर भी जा सकते हैं और मंसूरा भी जा सकते हैं। आप बता रहे हैं ऊपर आ गए, देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है मॉल ऑफ कतर। अब यहाँ से हम लोग मॉल ऑफ कतर की तरफ जाएंगे, एक नई ट्रेन लेंगे, बहुत ही जायगैंडिक किस्म की इसकी, बड़े बड़े ये मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं। अब पता करते हैं कि मॉल ऑफ कतर कहाँ है, यहाँ से देख लेते हैं। अलविदा मॉल ऑफ कतर, यहाँ से तो कोई नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं। सो ये देखें आप, हम विद्या पे हैं, विद्या से हम होते हुए द वाइट पैलेस, हम मात हॉस्पिटल से होते हुए बोल रहे हैं मॉल ऑफ कतर पर जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट हमारा स्टॉप होगा। चले आए चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें इसके अंदर आप इंटरनेट की वाईफाई की फैसिलिटी भी मौजूद है, आपसे अभी कुछ कंडीशन वगैरह पूछेंगे, अगर वो फुलफिल कर लेंगे तो आप इसका इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी, बता दिया मैं विजिटर हूँ, और इनकी टर्म एंड कंडीशन को मैंने सब कर लिया, आई होप कभी एक कनेक्ट हो जाएगा। ये एक ट्रेन का बिल्कुल स्ट्रीम व्यू है, यहाँ बैठ भी सकते हैं कोई बैठना चाहे तो, यहाँ से आपको नज़र आएगा। देखें ये बिल्कुल स्ट्रीम व्यू है इस ट्रेन का, कितना तेज़ी से चल रही है ट्रेन, ये ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ट्रेन का, और इसकी स्पीड का अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कितनी तेज़ी से चल रही होगी। अगर आप ये तो मैं इसके बैक साइड पे खड़ा हूँ, अगर आपकी फ्रंट साइड पे खड़ा तो आप बहुत डिफरेंट से व्यू नज़र आएगा। तो हम लोग अपने लास्ट स्टॉप के बिल्कुल करीब हैं, देखें ये जो पहला स्टेशन है जिसमें मुझे लाइट्स नज़र आ रही हैं, वरना इससे पहले मुझे कभी भी कोई लाइट्स कुछ नज़र नहीं आई। आप देखिए आपको बाहर के व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, और साफ नज़र आएगा व्यू। यूजली अगर आप दुबई ट्रेन में मेट्रो में आप ट्रेवल करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हमेशा बाहर का ही व्यू नज़र आएगा, बहुत कम वो अंडरग्राउंड जाती है। हाँ जब आपको ड्रॉप ऑफ होना होता है तो अंडरग्राउंड ही होती है, लेकिन अब यूजली वो बाहर होती है, अपनी 90% वो आउटसाइड होती है। अब हम लोग आउटसाइड आ चुके हैं, और एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है। एक तो ये कतर
मेट्रो के बारे में था। आई होप आपको आज का लोग व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं बहुत थक भी गया, मुझे बोला भी नहीं जा रहा था। कल से आए हैं और कल से हम घूम रहे हैं और आज बहुत सारी कॉल्स भी की थी। तो इस तरह की और बहुत सारी एक्साइटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। ये देखें आपको अनदर व्यू, मॉल ऑफ कतर का नज़र आ रहा है आपके राइट हैंड साइड पे। मॉल ऑफ कतर है जो बाहर से नज़र आ रहा है। तो देखिए, अगर मुझ में हिम्मत होती है और मुझे कोई मना नहीं करता तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं मॉल ऑफ कतर की भी वीडियो बना सकूँ। तो मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।